बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन में जो जॉब्स आई थी जनवरी 2024 में एरोट्रेड की, पीएफएनडीआई की, स्कोटी एमटीडी या स्पोर्ट्समैन की, तो इसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट कब लगेगी, इसका रिजल्ट कब शाया किया जाएगा, कब इसका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, इसके अलावा आप लोगों को SMS भेजा जाएगा, आप लोगों को लेटर आएगा या आप लोगों को कॉल आएगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस वीडियो में फुल अथेंटिक और प्रूफ के साथ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ रिजल्ट के बारे में, मेरिट लिस्ट के बारे में। तो नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमती वीडियो जॉब्स के रिलेटेड आप लोगों तक बरवक्त पहुंच सके। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जब एयरमैन में जो भी जॉब्स आती हैं, इनका जो टेस्ट इनकी हो जाते हैं, आखिरी टेस्ट की डेट के बाद तकरीबन एक मंथ का टाइम होता है, एक मंथ के अंदर अंदर इसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगनी होती है, इसका जो रिजल्ट है वो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस करना होता है। लेकिन यह कि गवर्नमेंट के मामला में थोड़ी बहुत तखीर होती रहती है। तो अभी जो मतलब है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बताने लगा हूँ, यह मतलब है कि मुझे बिल्कुल अथेंटिक जरा से मिली है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर जो भी आप लोगों को हम इन्फॉर्मेशन देते हैं या आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं, बिल्कुल अथेंटिक और सही मालूम देने की ही कोशिश करते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें अदर जराये से मिलती है उसमें अगर कोई गलती हो या उसमें कोई तो इसमें मतलब है कि वो हमारा इस कसूर नहीं होता। लिहाजा अगर कोई खुदा ना खास्ता गलत भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच जाए तो आप थोड़ा सा मतलब है कि कमेंट्स में गलत कमेंट्स ना किया करें या हमें मतलब गलत ना साबित करने की कोशिश किया करें, क्योंकि हम आप लोगों को बिल्कुल अथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने के ही हक में होते हैं। लेकिन आगे जो इन्फॉर्मेशन हमें गलत मतलब है कि मिल जाए किसी वजह से, तो उसमें फिर हमारा तो कसूर नहीं होता। तो देखिए, जो हमें मुझे मतलब है कि जिस जराये से इन्फॉर्मेशन मिली है बिल्कुल अथेंटिक और 90+ वो मतलब है कि उनके मुताबिक बिल्कुल ठीक है। जो आप लोगों की मेरिट लिस्ट, जो आप लोगों का रिजल्ट है, ये 22 अप्रैल के बाद, 22 अप्रैल के बाद मतलब है कि लाजमी मतलब अनाउंस किया जाएगा और आप लोगों को कॉल आएगी। आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने जो भी नंबर आपने अप्लाई के वक्त दिया है उसको आपने ऑन रखना है। 22 अप्रैल 2024 के बाद, यानी 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या 22 अप्रैल या 26 अप्रैल, यानी आपने 7-8 दिन, एक हफ्ता, यानी 22 अप्रैल के बाद एक हफ्ता आपने लाजमी जो भी आपने नंबर दिया उसको आपने ऑन रखना है और आप लोगों को कॉल आएगी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।